अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसे आप सबको पता ही है कि मनाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म, बल्कि ख़त्म नहीं, इसका तो अब नाम निशान नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को कोई ऐसी जगह जो चाहिए जहाँ पर सुकून हो, अमन शांति हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा व्यू दिखे। तो इस्लामाबाद और भिंडी के लिए मैं स्पेशल एक ये छोटा सा व्लॉग है स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि 30 मिनट, हार्डली 30 से 40 मिनट की ड्राइव है, और आपको फिर ये जगह मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका जो है दिखाऊँगा बैकग्राउंड। और यहाँ पे ये देखें, ये टोटल अभी जो है पूरा का पूरा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आ रहा है। और वेदर भी यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छा होता है। गर्मियों में भी अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। तो इसका मैं आप लोगों को रास्ता भी दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे मज़े की बात, यहाँ पर एक झूला भी है जिस पे आप बैठें और ये जो है वेदर और ये प्यारी खूबसूरत सी जगह आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को रास्ता भी दिखाता हूँ। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मार्गला रोड E11 से, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, और कोशिश करूँगा आप लोगों को रास्ता समझ भी आए इसका। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको खाने पीने की जगह मिल जाती है, चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा चाय यहाँ की बहुत अच्छी है, और बॉनफायर भी है और डिनर भी है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले रास्ता देखते हैं इसका, आप लोग आएँ और फिर उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी बड़ी ईजीली आ जाती है। थोड़ा सा ऑफ रोड है बीच में, लेकिन गाड़ी को डैमेज, नुकसान करने वाला इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग E11 से। ये 110 है वो चेक कर भाई, सीबी से जीत गया 125। ओके सो गाइस, अभी हम लोग खड़े हुए हैं मार्गला रोड पे, और ये यही सीधे सीधे जाता है संजयानी। आपको मैं बता दूं, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये E11 का कट है, ये बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को कंप्लीट तौर पे इसका रास्ता मिल सके। धूप जो है अच्छी खासी है, और वी प्ले, वो सामने वी प्ले है, ये आप लोग सबसे बड़ी निशान रखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सीधा जाना है, और वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं जो भी है वो भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ओके सो गाइस, ये है हम लोग यहाँ से अंदर मुड़ गए, शाला दिता का बोर्ड आएगा, और ये थोड़ा सा जो है सिंगल रोड हम करेंगे, वो सामने से आ रहा है, यही से अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर हम लोग चले जाएंगे संजयानी टोल प्लाजा, जो आपको जीटी रोड से मिलता है वो बाईपास हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ये चलें नहीं, टेल आ गई है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा
मज़ीद मैं आपको बता चल, थोड़ा सा ये सिंगल रोड आएगा और इसके बाद हमने दोबारा आगे से राइट होना है। इसका रास्ता बड़ा इजी है, इस्लामाबाद से 25 से 30 मिनट में आप लोग इजीली पहुंच जाते हैं, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सी सफ़र करने के बाद आपका टोटली व्यू चेंज हो जाता है, वेदर तक चेंज हो जाता है, ये मैं आपको बता दूँ, वेदर तक चेंज हो जाता है। मनाल वाली फीलिंग ही आपको आएगी। मनाल तो अब शिफ्ट हो गया है, इमारत पे बन रहा है उसके टॉप पे, लेकिन जो पहले मनाल की लोकेशन थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो ये हम लोग ने यहाँ से अब सीधे सीधे जाना है, थोड़ा सा ऑफ रोड आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना जो है पीस ऑफ रोड का है, और आगे फिर वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो रोड आप लोगों ने सीधी सीधी जो है आना है उस पर, और ये फिर आगे आपको ऑफ रोड मिलेगा कुछ इस तरह का। तो इसको थोड़ा सा ईजी ना समझें, है तो ये पास ही लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह बड़ा इजीली यहाँ पर आ जाती हैं, तो पॉइंट अच्छा है। तो थोड़ी सी अगर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसका नाइट व्यू जो है वो बहुत कमाल का आता है, वो हो सकता मैं आपको रात को दिखाऊँगा, हो सकता है आपको मनाल से ज़्यादा वो पसंद आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई बड़ा पत्थर नहीं है, आप देख लें किस तरह का रोड है, मिट्टी है और उस तरह का ऑफ रोड नहीं है जो कि अमूमन होता है, छोटे पत्थर है वो भी, उसमें भी बीच में जो है ट्रैक आपको साफ ट्रैक मिल जाता है, गाड़ियों का भी रास्ता बना हुआ है इजीली, वो भी बड़े आराम से चली जाती हैं। और ये देखें, ये मैं आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई हैं, वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें जी, छोटी गाड़ी भी यहाँ पर आ सकती है बड़े आराम से। और ये देखें, साथ ये ब्यूटी स्टार्ट हो गई, ये खूबसूरती है यहाँ की। थोड़ी सी राइड करने के बाद इस्लामाबाद आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मार्गला हिल टॉप रेस्टोरेंट है और ये बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं जाना, हम लोग यहाँ से आगे से जाएंगे। इसका व्यू नहीं है, ये यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपको जस्ट ये चीज़ मिलेगी देखने को, इसका प्रॉपर आपको व्यू नहीं मिलेगा। हम जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे ऊंचा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से आपको व्यू, और उसके आगे कोई कंस्ट्रक्शन कोई और होटल भी नहीं बना हुआ, तो वहाँ से आपको बहुत ईजीली जो है पूरे इस्लामाबाद का व्यू मिल जाएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़े से रुके हुए, लड़के थोड़े से पीछे रह गए, उनको इकट्ठे करते हैं, वहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं आगे। और थोड़ा सा ही आगे जब आप चलेंगे तो उसके बाद ये आपको गेट नज़र आएगा, और ये साथ ही थोड़ा सा आपको इस तरह का ट्रैक नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने मुड़ना है, और ये बात भाई आज जो है अपनी बाइक नहीं लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे इनकी बाइक नहीं चलनी थी, तो ये आज 125 पे आए हैं और 125 पे मुझसे ज़्यादा स्पीड, सीबी से ज़्यादा इसका इस बाइक की स्पीड है। तो ये देखें गाड़ी, ये देखें वैगनार आ गई है, तो कोई भी गाड़ी आ सकती है, मेहरान बड़ी इजीली आ जाती है। फैमिलीज के लिए बेस्ट प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सुकून और खामोशी, ज़्यादातर यहाँ पर जो है फैमिलीज ही आती हैं। सो गाइस, ये हम लोग पहुँच गए हैं बहुत ही, ओहो भाई ये क्या हुआ, बाइक बंद हो गया एकदम से, इनका 70 बंद हो गया। यस, यहाँ पे ये देखें जी, वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर आपको इसका प्रॉपर व्यू दिखाते हैं। अच्छा, तो ये
ये भी जो है रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर, और नाइट स्टे के लिए भी है, अगर रात रुकना चाहे तो वो भी आप लोग रुक सकते हैं। और वो इनका किचन है वहाँ पे, वो इनका किचन है। तो ये रहे अपने बॉयस, और चाय आ चुकी है। आपका दिल खुश होता होगा, लेकिन रियली मैं अपनी अंदर से बात बता रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत नवाजिश सर, बैठे ना सर। थैंक यू बेटा, अल्लाह बेटा यहाँ पे हर चीज मजे की है मेरी जबान के अलावा। ये ऑनर है, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा जो है फनी बातें करते हैं। तो ये चेक करें जी, वो गया सूरज। तो चाय पीते हैं और फिर आगे का सीन आपको दिखाते हैं। यहाँ का कुछ नाइट व्यू, और काफ़ी ठंड हो गई है, जैकेट्स वगैरह जो है वो पहन लिए। और ये सारा का सारा होटल है, यहाँ से आगे वो आपको बैक साइड वहाँ पे आपको जाकर जो है ना कुछ और मज़ीद होटल मिलेंगे, लेकिन उनका व्यू, ये वाला जो व्यू है, ये जो पॉइंट है और ये जो व्यू है, ये आपको दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। तो बड़ा ही कमाल का इसका जो है ये व्यू आ रहा है। फोर्ट, ये थी हमारी आज की वीडियो, एक शॉर्ट सी वीडियो, एक खूबसूरत प्लेस की, एक खूबसूरत हिडन प्लेस की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मुझे आप ना सिखाएं, मैंने सबसे पहला कैसर भाई का ही बनाया था। अच्छा चलो जी, मुझे फ्रेम में तो ले। हाँ फ्रेम में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ पहले पेट अंदर करें और अंदर ये थोड़ा सा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अगर आप लोगों को व्यू दिखाए। कैमरामैन नहीं हूँ मैं, आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। वो देख चांद ऊपर। अबे भाई जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। चादर चला दी इसकी। ये जी नीचे है शाला दत्ता, और वो जो डबल रोड है आप लोगों को नहीं नजर आ रही, उसके उस तरफ है D12। अभी कुछ देर में सनसेट होने वाला है, ऑलमोस्ट देयर। शान भाई आप बादलों में बैठे हैं? हाँ जी मैं बादलों में बैठा हूँ। ये जगह वाकई बड़ी कमाल की है, और सबसे अच्छी बात ये है कि फैमिली के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को मुनाज से ज़्यादा की अच्छाई की फीलिंग आए, मेरी गर्दन टूट जाएगी। अच्छाई की फीलिंग आए क्या, मैं समझा नहीं इसका मतलब।